ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सीफूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर्स और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। इसके कारण हनमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। इन जिलों के किसानों की फसलों में भी फूड प्रोसेसिंग के कारण वैल्यू एडिशन हो पाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना जैसे लैंड लॉकड स्टेट के लिए ऐसी रोड और रेल कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है जो यहां बने सामानों को समुद्री तट तक पहुंचाएं और इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। दुनिया का बाजार मेरे तेलंगाना के लोग कब्जा करें। इसी कारण देश के कई प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना से होकर के गुजर रहे हैं। ये सभी राज्यों को ईस्ट और वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का माध्यम बनेंगे। हैदराबाद विशाखापट्टनम कॉरिडोर का सूर्यपेट खम्मम सेक्शन भी इसमें बहुत मदद करने वाला है। इसके कारण इस कोस्ट तक पहुंचने में मदद मिलेगी, साथ ही इंडस्ट्रीज और बिजनेस के लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत कमी आएगी। जकलेर और कृष्णा सेक्शन के बीच बन रही रेलवे लाइन भी यहां के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी।